गोर्ती मामनी उरोली मोटरमार्ग लंबाई 5.075 किलोमीटर, लागत 296.75 लाख, दो वर्षों तक सामान्य अनुरक्षण की लागत 8.42 लाख, कार्य प्रारंभ की तिथि दिसंबर 2018, कार्य पूरा होने की तिथि 2 सितंबर 2020, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना, कार्य निष्पादन लोक निर्माण विभाग PMGSY रुद्रप्रयाग। यकीन मानिए, जो गांव और क्षेत्र बरसों से सड़क का इंतजार कर रहा हो और वहां लंबे संघर्षों के बाद अगर सड़क पहुंची लेकिन सड़क लोगों को लाभ देने के बजाय उनकी जिंदगी को दांव पर लगा दे तो क्या कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल है जखोली विकासखंड के कोर्ती ममणी उरोली 5.075 किलोमीटर मोटर मार्ग का। 296.75 लाख की लागत से निर्मित प्रथम चरण के इस सड़क निर्माण में लोक निर्माण विभाग PMGSY रुद्रप्रयाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने मोटर मार्ग को ऐसा बदरंग बनाया कि अगर भविष्य में ये बनकर तैयार होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मोटर मार्ग न जाने कितनी जिंदगियों को असमय ही निगल लेगा। ठेकेदारों उनके चहितों को लाभ देने के एवज में इस मोटर मार्ग को स्वीकृत अलाइनमेंट से बदलकर ऐसा बेतरतीब घुमाया गया कि मानो ये मार्ग कभी आकाश लोक में तो कभी पाताल लोक में जाता हो। जखोली विकास खंड के उरोली गोर्ती 5 किलो मोटर मार्ग पे हम इस समय मौजूद हैं और इस मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मोटर मार्ग में PMGSY के इंजीनियरों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने इंजीनियरिंग दिखाई है, वो वास्तव में कमाल की इंजीनियरिंग है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रास्ता, ये सड़क किसी गांव को जोड़ रही होगी, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये मार्ग सीधे आकाश लोक के लिए जा रहा हो। आप देख सकते हैं, कहीं आकाश लोक की तरफ तो कहीं पाताल लोक की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और इस तरीके से कैसे ये पास होगा आने वाले दिनों में, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मोटर मार्ग में जिस तरीके से अलाइनमेंट को कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के हित साधने के लिए बदला गया है, वो वास्तव में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। और जिस तरीके से इस मोटर मार्ग में PMGSY विभाग द्वारा हजारों पेड़ बेतरतीब तरीके से काटे गए हैं, बिना अनुमति के काटे गए हैं, वो वास्तव में वन विभाग को भी सवालों के घेरे में लाता है। क्योंकि बांध बुरांस और तमाम तरह के यहाँ पे प्रजातियों के पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इसमें वन विभाग भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में साफ लगता है कि सरकारी विभागी जो मशीनरी है वो ठेकेदारों के गठजोड़ के साथ कैसे हमारे प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही है और कैसे ठेकेदारों को मोटा मुनाफा कमाने के लिए तैयार कर रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं मोटर मार्ग के निर्माण में बिना अनुमति के सैकड़ों बांज बुराज के पेड़ों को भी काटा गया, जबकि व्यापक पैमाने पर जंगल को क्षति पहुंचाई गई। ऐसे में लोक निर्माण विभाग PMGSY रुद्रप्रयाग के साथ साथ वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरों में आती है। आखिर स्वीकृत अलाइनमेंट से हटाकर जब मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा था तो फिर वन विभाग कहां सोया हुआ था। जबकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज भी कई हरे पेड़ इस मोटर मार्ग पर कटे हुए हैं। सड़क विकास का पैमाना होती है, ये तो आपको और हमको पता है, लेकिन अगर वही सड़क विनाश पे आधारित बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे। गोर्ती उरोली 5 किलोमीटर सड़क पे हम इस समय मौजूद हैं और जिस तरह से इंजीनियरों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने इस मोटर मार्ग के आड़ में पूरे जो जंगल हैं उनको बेतरतीब ढंग से काटा है, उसकी हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और आप देख सकते हैं जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पे बांज और विभिन्न प्रजाति के पेड़ों को काटा गया है, जबकि इस मोटर मार्ग को जिस तरीके से बनाया है उसका एक नायाब ये नमूना है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और इंजीनियरों के, ठेकेदारों के साथ मिलने के बाद जिस तरीके से पूरे मोटर मार्ग को बदरंग बनाया गया है, कैसे ये इंजीनियरी है ये हमारी और आपकी तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से चंद लोगों को लाभ देने के एवज में इस पूरे मोटर मार्ग को बदरंग बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसका विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस मोटर मार्ग को बड़े बेतरतीब ढंग से काटा गया है, जो कहीं ना कहीं विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ी करती है।
बताया जा रहा है कि जब इस मोटर मार्ग का संरेखण बदला जा रहा था तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। उस दौरान विभाग और ठेकेदारों के द्वारा कानूनी रूप से भोले भाले ग्रामीणों को डराया और धमकाया गया, जिस कारण ग्रामीण आज भी सवाल उठाने से डरते हैं। जबकि फेज वन के पूरे पैसे खर्च होने के बाद दूसरे चरण का कार्य भी आरंभ हो चुका है। ऐसे में ग्रामीण आज भी सोच रहे हैं कि आखिर ये सड़क उनकी सुविधा के लिए बनाई जा रही है या फिर उनकी जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग।